फेटिशिज्म और फ्रॉटिरिज्म, ये दोनों सेक्सुअल बीमारी के बारे में मैं ये वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। फेटिशिज्म में होता क्या है कि ये जो व्यक्ति है जिसको ये प्रॉब्लम है, जिसको ये सेक्सुअल बीमारी है, उसको लेडीज़ के प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स जो है या लेडीज़ के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको चुराना, उसको लेना और उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स को घिसना या अपने बदन को घिसना, उसमें उसको सेक्स इतना मज़ा आता है। तो लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स होंगे, प्राइवेट कपड़े होंगे या कोई भी कपड़े लेडीज़ के हैं, वो चुराना या एकांत में जाना और अपने बॉडी को घिसना या अपने प्राइवेट पार्ट्स को घिसना, उसमें उसको मज़ा आता है। फिर लेडीज़ के अन्य कोई ऑब्जेक्ट्स है, जैसे पर्स है, अंगूठी है, फिर चेन है या बैंगल्स है, ऐसा कोई भी चीज़ उठाना और वो घिसना। अब ये कभी कभी व्यक्ति चोरी भी करता है इसकी, क्योंकि उसको उसमें मज़ा आता है। कोई देख लेगा और वो उस समय करता होगा तो अपने खिसे में डाल देगा और फिर इसके ऊपर चोरी का भी आरोप आ सकता है। ये लोगों को इसमें मज़ा आता है, मतलब एक्चुअली सेक्स करने में उसको मज़ा नहीं आता और उसको ऐसा लगता है कि ये जो चुराता है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को लगाता है तो वो लेडी को भी आनंद आता होगा, ऐसी उसको कल्पना आती है, ऐसा उसको इमेजिनेशन है। तो ये फेटिशिज्म। दूसरा है फ्रॉटिरिज्म। फ्रॉटिरिज्म में ये जो व्यक्ति है जिसको ये फ्रॉटिरिज्म नाम की लैंगिक समस्या है, उसको क्राउडेड प्लेस में या कोई भी जगह पे लेडीज़ को टच करने में, अपना बदन उसके बदन को घिसने में मज़ा आता है और उसको वो सेक्स की एक्टिविटी करने इतना मज़ा उसको उसमें आता है। तो कुछ ना कुछ जैसे उनको लाइक प्राइवेट पार्ट को मतलब टच करने की कोशिश करेगा या बदन को पीछे से या बटक्स को या कंधे को या हाथ को घिसना, और वो ऐसा करेंगे कि जैसा वो क्राउडेड प्लेस में हो और उसको मालूम ही नहीं, मगर वो जानबूझ के करेगा और उसमें उसको मज़ा आता है। अब इसमें होता क्या है कि समझो वो पकड़े गया या किसने उसको चुन लिया कि भाई नहीं ऐसा कर रहा है, ये बार बार हो रहा है, तो उसकी पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है। ये दोनों प्रॉब्लम की पुलिस कंप्लेंट हो सकती है क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, मार भी खा सकता है। और उसको ये जो व्यक्ति है इसको फ्रॉचरिज्म में मज़ा आता है, मतलब ये क्राउडेड प्लेस में जाना या कहीं जाना और लेडीज़ को स्पर्श करना, वो देखेंगे कि बस में भी वो पास में बैठेंगा, वहाँ कुछ तो भी मतलब जहाँ भी जगह उसको मिलती है ये करने की, वो जगह पे वो जाके बदन को बदन घिसने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम है और ये इनको एक मतलब ये सेक्स की प्रॉब्लम है, सेक्स की समस्या है। उनको नॉर्मल सेक्स करने में उतना मज़ा आता नहीं है और आता भी होगा, ऐसा नहीं कि आता ही नहीं है, पर इसका इलाज करना ज़रूरी है क्योंकि ये सोशल प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें क्रिमिनल ऑफेंस दर्ज हो सकता है। इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो OCD के लिए वापरते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए दवाई वापरते हैं, फ्लॉक्सेटिन जैसी या क्लोमिप्रेमिन जैसी, वो दवाई इसमें काम में आ सकती है। मेन जो है वो है काउंसलिंग, सेक्स थेरेपी, मानसोपचार, हिप्नोसिस, सम्मोहन उपचार और हिप्नोसिस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ऐसा कुछ स्टडीज में पाया गया है कि इनको सेक्सुअल अब्यूज बचपन में हुआ है और सेक्सुअल अब्यूज मतलब इसके ऊपर लैंगिक अत्याचार हुआ है इसलिए ऐसा वो करता है, या दूसरा इन्होंने इनके माँ बाप का सेक्स देखा हुआ रहता है। ऐसे कुछ स्टडीज में पाया गया कि माँ बाप का सेक्स देखा है, उसमें वो घबरा गए और उसमें उनको कुछ तो भी लगा कि कुछ तो भी भयंकर हो रहा है और उसमें उनके दिमाग में ऐसा कुछ बैठ गया और वो ये करने चालू किए। तो सेक्स काउंसलिंग है, काउंसलिंग करना, सेक्स थेरेपी है, ये करने से भी फायदा हो सकता है। ये लोग ऐसे एकदम सामने दिखते नहीं हैं, आपके आजू बाजू में भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे, मगर इनको ये प्रॉब्लम होता होगा क्योंकि सोशल फंक्शनिंग इनका डैमेज होता है। वो काम मतलब उनके वर्क प्लेस में भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है, वर्क प्लेस में, क्योंकि वो लेडीज़ रही तो उनको स्पर्श करना या ऐसा अनजाने में हाथ लग गया ऐसा बताना, तो इसमें उनके ऊपर आरोप भी हो सकता है। और अभी MeToo की मूवमेंट बहुत चालू है तो इसमें कुछ भी हो सकता, कुछ भी संभव है। तो इनका इलाज होना ज़रूरी है। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी जानकारी होंगी
लोग वहाँ साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करेंगे, हम भी ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, लोगों को सलाह देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ताकि वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकेंगे। हमारा मिशन जो है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ज़्यादा लोगों को मेंटल हेल्थ एजुकेशन देना, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा, आपका भी हिस्सा हो जाएगा, आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी। आप हमें और कहीं बुला सकते हैं, लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, और जहाँ भी संभव है वहाँ बुलाओ, ताकि हम वहाँ लोगों को एड्रेस करके मेंटल हेल्थ के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप जब लाइक करते हैं हमें बहुत उत्साह आता है, हमारा उत्साह बढ़ जाता है। बेल आइकॉन जो आता है उसके ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।